दोस्तों जो है अगर आप सस्ते प्राइस में चाहते हैं कि हमें जो है एक बढ़िया वाटरप्रूफ मेटल डिटेक्टर मशीन मिल जाए दोस्तों, मैं कहूंगा सिर्फ आप ये मशीन लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संजय पासी मेटल डिटेक्टर में। दोस्तों जो है आप देख सकते हैं हमारे पास है ये एक्स टेरा प्रो मेटल डिटेक्टर जो कि मालदीव कंपनी का काफी बेहतरीन मेटल डिटेक्टर है। और दोस्तों जो है ये नया ही लॉन्च हुआ है अभी फिलहाल में, ये हमारे पास स्टॉक रेडी है। दोस्तों अगर आप जो है इस मेटल डिटेक्टर को खरीदना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल या व्हाट्सअप करके जो भी जानकारी लेना चाहें इस मशीन के बारे में आप ले सकते हैं। इस मशीन का हमने जो है पिछला वीडियो बनाया था अनबॉक्सिंग का और कैसे असेंबल करना था दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, जाकर के देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको एक्स टेरा प्रो कैसे यूज करना है वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप जो है मेटल डिटेक्टर मशीन खरीदना चाहते हैं आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास ये नया स्टॉक आ चुका है। आप केवल 2000 रुपये का ऑर्डर बुकिंग पे आप जो भी मेटल डिटेक्टर लेना चाहें आप मंगवा सकते हैं, बाकी का पेमेंट आप घर पे दे दीजिएगा। दोस्तों जो है अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि मैं नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो देरी ना करते हुए फटाफट जो है मैं इस पैकेट को ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं इसको कैसे आपको चलाना है, कैसे यूज करना। नेक्स्ट वीडियो में इसका लेकर के आने वाला हूं ग्राउंड पर। जी हां दोस्तों, ग्राउंड पर लेकर के आने वाला हूं, पूरा डिटेल्स इस मशीन के बारे में आपको ग्राउंड पर भी बताने वाला हूं कैसे आपको ग्राउंड पर चलाना है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं इस मशीन का जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों जो है आप देख सकते हैं हमने इस मेटल डिटेक्टर को असेंबल कर लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही लाइट वेट है, 1.3 kg का इसका वेट है मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। और जो है इस मेटल डिटेक्टर को आप जो है 25 इंच आप छोटा कर सकते हो और ये कैरी करने में भी बहुत ही इजी है। दोस्तों जो है अगर आप सस्ते प्राइस में चाहते हैं कि हमें जो है एक बढ़िया वाटरप्रूफ मेटल डिटेक्टर मशीन मिल जाए दोस्तों, मैं कहूंगा सिर्फ आप ये मशीन लीजिए। अगर आपका बजट 50,000 रुपये तक है दोस्तों, ये मेटल डिटेक्टर यानी जो है एक्स टेरा प्रो मेटल डिटेक्टर बहुत ही बढ़िया मेटल डिटेक्टर है दोस्तों। अगर आप 5 से 6 फुट तक का काम करना चाहते हो और हर तरह के जमीन पे आप अगर इस मशीन को चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। इस मेटल डिटेक्टर में दोस्तों जो है आपको ये मोड मिल जाता है, देखिए आप यहाँ पर लाइट भी मिल जाता है कि अगर आप नाइट में यूज करते हैं तो जो है नाइट में लाइट जलेगा, प्लस वाइब्रेशन भी करता है। अगर आप साउंड कम चाहते हैं तो वाइब्रेशन मोड भी इसमें आप ऑन कर सकते हो। प्लस जो है मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों जो है इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, प्लस डिस्प्ले लाइट, प्लस जो है बटन में भी जो है आपको लाइटें देखने को मिल जाएगी। अभी क्या है कि घड़ी में पहन रखा था इसलिए जो है ये इसको आवाज कर रही है, ठीक है दोस्तों। मैं इस मशीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि जो है मैं एक ऑफिस में इस मशीन को ऑपरेट कर रहा हूँ। इसको आप जितना चाहें उतना बड़ा आप इसको कर सकते हैं दोस्तों, और भी बड़ा चाहूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन हमें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये इतना बड़ा हो गया और इसको जो है मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो है मैं मशीन को ऑन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों जो है मैंने मशीन को ऑन कर दिया। अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाना चाहूँ तो ब्राइटनेस जो है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर में जो है इसका डिस्प्ले लाइट है और बटन पे भी लाइट आ रही है, आप देख सकते हो दोस्तों। नाइट के लिए बहुत ही बढ़िया परफेक्ट आपको जो है ये मेटल डिटेक्टर में जो है फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। अगर मैं इसमें जो है मोड की बात करूँ तो मोड आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर जो है पार्क 1 पार्क 2 का मोड है, उसके बाद जो है फील्ड 1 फील्ड 2 का मोड है, उसके बाद बीच हंटिंग का है, नदी किनारे सर्च करना है तो आप ये मोड आप यूज कर सकते हो। यानी कि जो है इसमें आपको 3 मोड मिलने वाले हैं दोस्तों, और ये मेटल डिटेक्टर मल्टी फ्रिक्वेंसी का मेटल डिटेक्टर है जो कि बहुत ही बढ़िया मेटल डिटेक्टर माना जाता है दोस्तों इस जनरेशन में। जो कि मैं अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, पहले मैं जो है पार्क 1 पे आ जाता हूँ, आप देख सकते हैं 5 kHz, 10 kHz और 15 kHz। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया मेटल डिटेक्टर है और आप इसमें जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, जो नहीं चाहते हैं सर्च करना उसको आप चाहो तो बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आप वायरलेस हेडफोन चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, वायर वाला हेडफोन चाहें तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सेटिंग के बारे में बता देता हूँ, ये होता है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए दोस्तों जो है। अब मैं इसका जो है पहले नॉइज़ कैंसिलेशन कर देता हूँ। जैसे ही ये फीचर्स जैसे इक्विनॉक्स 600 और 800 में होता था दोस्तों, वो फीचर्स आपको इसमें मिलने वाला है।
उसके बाद जो है ये है ग्राउंड बैलेंस का है, आप जो है ग्राउंड बैलेंस बना लीजिएगा, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस कैसे ग्राउंड बैलेंस बनाना है, कैसे क्या करना है दोस्तों, मैं ग्राउंड पर पूरा वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जल्द ही। ये होता है साउंड, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मशीन का कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 1 से 25 तक का होता है। उसके बाद होता है ये थ्रेशोल्ड है बैकग्राउंड साउंड के लिए। ये देखिए बैकग्राउंड साउंड आने लगा, ठीक है दोस्तों। देखिए बैकग्राउंड साउंड हमें नहीं चाहिए, हम इसको माइनस में करके बंद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है ट्यून, आपको 1 से लेकर 5 तक का जो भी ट्यून आप मेटल में चाहिए वो कर सकते हो आप। ये होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, क्या चीज़ आपको चालू करना है, क्या चीज़ बंद करना है, आप जो है यहाँ से उस चीज़ को बंद कर सकते हैं। जैसे मान चलो लोहा नहीं सर्च करना, लोहा चाहो तो बंद कर सकते हो, और भी कुछ मेटल्स हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं वो भी बंद कर सकते हो। ये रिकवरी स्पीड का है दोस्तों, ठीक है। 1 से लेकर के जो है 3 तक का ये होता है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाता हूँ फील्ड 1 पे मोड, और यहाँ से इसका वापस आ जाइए, ठीक है दोस्तों। अभी जो है 15 किलोहर्ट्ज़ पे अगर मैं कोई भी मेटल्स अगर लगाता हूँ, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरे पास जो है गुटके के पाउच है, और भी हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं दोस्तों। ये मेटल्स मैं जो है आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अभी क्या है कि मैं ऑल मेटल्स पे मशीन को ऑपरेट कर रहा हूँ। ये देखिए साउंड कितना परफेक्ट आ रहा है, लोहा का साउंड अलग ही रहेगा दोस्तों, जिससे कि आपको आइडिया लगे हाँ ये लोहे का सिग्नल है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट साउंड आ रहा है मशीन पर। ट्यून चेंज हो गया, जैसे जैसे मेटल आप लगाते जाएंगे दोस्तों उसी तरह जो है, अभी क्या है ये मेटल्स इसमें बंद है इसलिए जो है नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये खाली है, इसका सिग्नल इसमें आता है, यानी जो है इस चीज को मैं ऑन कर देता हूँ। कैसे ऑन करना है, इस पे जा करके प्लस का बटन दबाइए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जा करके आप इसको ये भर दीजिए, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से वापस आ जाइए। अब देखिए देख रहे हैं दोस्तों, देखो पीतल ये भी है और पीतल ये भी है। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सिग्नल पे, क्योंकि ये बहुत ही हल्का मेटल है, और जो हल्का मेटल होता है उसका सिग्नल कम आता है, जो हैवी मेटल होता है उसका सिग्नल ज़्यादा आता है। ये खास करके तांबा और पीतल में आपको देखने को मिलेगा। इसका सिग्नल देखिए, साउंड देखिए कैसे आ रहा है। हल्का वाला मेटल मैं लगा रहा हूँ, हैवी मेटल लगाता हूँ पीतल का, ये देखो, और साउंड जो भी आ रहा है दोस्तों इसका बहुत ही एकदम क्लियर साउंड आ रहा है, जिससे कि आपको आसानी से पहचान सकते हैं, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अभी तो जो है मैंने फ्रीक्वेंसी को एकदम कम कर रखा है, सेंसिटिविटी को एकदम कम कर रखा है, 3 फुट पे कर रखा है, ठीक है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी मैंने 15 किलोहर्ट्ज़ पे कर रखा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा गहराई तक कैच करना है 5 किलोहर्ट्ज़ पे चलाओ या 10 किलोहर्ट्ज़ पे चलाओ। 15 किलोहर्ट्ज़ पे चलाते हो तो छोटी चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करती है, 5 किलोहर्ट्ज़ पे चलाते हो तो जो है 5 किलोहर्ट्ज़ तो बड़ी चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करती है, ठीक है दोस्तों। अगर मान के चलो अभी जो है मैं इस लोहे को नहीं सर्च करना चाहता, इसको मैं बंद करना चाहता हूँ, तो इसको बंद करने के लिए सीधा आप जो है ये अभी क्या है कि यहाँ तक भरा हुआ है, इस कारण से जो है ये बंद नहीं कर रहा है। अभी मैं इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। पहले मैं फुल कर देता हूँ और देखता हूँ, हमें 0 से लेकर के -10 तक का जो है हमें बंद कर देना है, ठीक है दोस्तों। वो हमें कैसे करना है, पहले मैं नाल को प्रेस कर देता हूँ, उसके बाद जो है इस पर आ जाता हूँ। ये देखिए जो बिंदु जा रहा है यहाँ पर, ये ठीक है बंद करना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ ये, ठीक है दोस्तों। मैं 0 तक का आ गया, अब उसके बाद इसे ओके कर दीजिए। अब मैं देखिए लोहा लगाता हूँ, लोहे पे मशीन बिल्कुल साउंड नहीं करेगा। अगर कोई भी मेटल्स रहेगा सभी मशीन साउंड करेगा, हर चीज़ पे साउंड करेगा, ठीक है दोस्तों। अभी क्या है कि अभी ये गुटका का पाउच बता रहा है, इसको भी बंद करना है। पहले नंबर हमें ये नोट करना पड़ेगा कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर हमें डायरेक्ट बंद करना हो इसको यहाँ से मैं प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अभी बता रहे हैं कुछ सिग्नल आ रहे हैं 26-27 आ रहा है, तो उसको भी हमें बंद करना है दोस्तों। तो उस चीज़ को बंद करने के लिए हमें इसको प्रेस करना है, सॉरी इसको प्रेस करना है सेटिंग वाले बटन को, और जो है हमें 26-27 तक का देखना है, ये प्रेस करना है और इसको, ठीक है बंद कर दिया मैंने।
ये देखो अब ये गुटखे का पाउच नहीं बता रहा है, ठीक है दोस्तों। बाकी सारे मेटल्स को बताना स्टार्ट कर दिया, बाकी सारे मेटल्स को बताया गया, सिर्फ हमने लोहा और गुटखे के पाउच को जो है बंद कर रखा है, यानी जो हमने इस दो मेटल्स को बंद किया, बाकी सारे मेटल्स ऑन है, ये देखो, ठीक है। ये बता रहा है, ये देखिए हल्का हल्का सिग्नल आ रहा है, वो किसी ना किसी चीज़ को जो है कैच 24 को कैच कर रहा है, तो हमें 24 को भी बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये और यहाँ से वापस आ जाएगी। तो दोस्तों जो है कोरियर वाले आ गए थे, तो मैं उनको पैकेट दे रहा था, ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको जो है बंद कर दिया, इसको नहीं बता रहा, बाकी सारे मेटल्स जो है बताएगा। और इसमें और भी बहुत बढ़िया मोड है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये है पिन पॉइंट का, इसको मैं प्रेस कर देता हूँ तो कोई भी मेटल्स जो है जब तक मैं हटाऊंगा नहीं तब तक काम करता रहेगा। ये बहुत ही बढ़िया फीचर इसमें आपको मिला है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए अभी क्या है कि सामने ही मैं रखा था मेटल, इसके लिए ये ऑब्जर्व कर लिया इस चीज को, तो कभी भी जो है इस चीज को प्रेस करना तो मेटल के ऊपर प्रेस मत करिएगा। अब देखो साउंड कैसे आएगा, मैं दूर जाता हूँ, इतनी दूर से कैसे आएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा आप। तो जो है जब तक मैं मेटल्स को हटाऊंगा नहीं तब तक जो है ये साउंड करता रहता है, तो मेटल के ऊपर कभी भी प्रेस मत करिएगा, अन्यथा जो है उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है और मशीन बताएगा नहीं, ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बाकी बहुत ही बढ़िया लाइट वेट का फंक्शन है दोस्तों, और काफ़ी अपग्रेडेड मॉडल है ये, आप देख सकते हो, इसी ब्राइटनेस को दबा कर रखोगे तो यहाँ पर लाइट जल जाएगी, ये देखिए लाइट जल रही है, ठीक है। इसी को जो है दबा कर रखोगे ये बंद हो गए, दोबारा दबाओगे ये लाइट जल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये और 2-5 सेकंड तक दबा के रखोगे तो लाइट भी जल जाएगा, डिस्प्ले भी जलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये, और यहाँ से जो है मशीन को आप ऑफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों जो है बहुत ही बढ़िया मेटल डिटेक्टर है। तो देखा दोस्तों, ये मशीन बहुत ही इजी है चलाने में, तो आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों जो है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो दोस्तों जो है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों इसी साथ नेक्स्ट वीडियोज में, फिर मिलते हैं इसी मशीन के साथ ग्राउंड पर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।